हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैंने कल के दिन आपको सिखाया था सरफेस, आज फिर एक प्रॉब्लम और कराते हैं सरफेस की, तो जिससे आपको घर के लिए होमवर्क मिल जाएगा। आज कल आपको हमने होमवर्क नहीं दिया था, क्या हुआ? आते हैं वापस नई प्रॉब्लम पर। फाइंड द सीजी ऑफ द सरफेस। देखो सरफेस दे दिया, एक्स इक्वल ऑफ द ए ब्रैकेट में थीटा प्लस वाई इक्वल ऑफ द ए ब्रैकेट में वन माइनस का कॉस थीटा अबाउट द एक्सिस ऑफ स्मॉल वाई। आइए बच्चे लोगों को सिखाते हैं नई प्रॉब्लम को बोर्ड पर। हम नाम है इसका साइक्लॉइड, नाम नहीं दिया, अच्छा नाम दे दिया, अच्छी बात, ना देते तो हम पहचान लेते। ये कौन है मेरे पास? साइक्लॉइड। रिवॉल्व कैसा किया है? बाई एक्सिस। इस वजह से यहां पर इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स बार तो जीरो हो जाएगा और वाई बार लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एस अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस, राइट। लिमिट की बात करेंगे, फिगर तो आने दो पहले, तभी तो समझाएं सारी बात। हमने फिगर में आपको ट्रिक बताई थी, साइक्लॉइड में वैसे याद नहीं रह पाता, ऊपर क्या लगा है प्लस, तो बहुत क्वाड्रेंट फिगर बनेगा। अपोजिट साइन है यस, तो क्या बनेगा? रिवर्स ऑफ रेस्टिंग। तो जब इसका आपने फिगर बनाया, सारी बात इस वजह से बता दी जाती है पहले ही, इससे आपको दिक्कत ना हो। रिवर्स ऑफ रेस्टिंग सामने देखेंगे आप, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, हमारे पास ओरिजिन। यहां पर टी के बारे में बताया था मैंने, यहां थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा? यहां पाई। लिमिट वहां बता चुका था आपको कि सारी बातें सब पुरानी ही होंगी। अब इन्होंने रिवॉल्व कैसा किया है? बाई एक्सिस। सरफेस डेवलप होता है किसी भी आर्क के जनरेटिंग के द्वारा। हमने यहां पर इतना आर्क डेवलप कर दिया, आर्क हो गया। इसके आगे यहां पर रिवॉल्विंग दिखा दिया, यहां पर रिवॉल्विंग दिखा दिया आपने। आपने बोला पी क्यू और ये आर। लिमिट हमारे पास हो गई सामने, केवल अब हमें क्या चाहिए इसके इंफॉर्मेशन में? हमारे पास कर्व के नाम है, हमारे पास जनरेटिंग रिवॉल्विंग कितना है अबाउट द बाई एक्सिस। तो आपने यहां से सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन में बोला गया गिवन कर्व एक्स बराबर ए ब्रैकेट में थीटा प्लस वाई बराबर ए। आपके सारी प्रॉब्लम थीटा में ही दी हैं, वैसे हमारे पास थीटा के अलावा कभी टी में भी आ सकता है। आर का नाम है पी क्यू, द आर्क पी क्यू रिवॉल्व अबाउट द बाई एक्सिस। सेंस तो ये है सरफेस का, यहाँ पर लिखना चाहे लिखें, नहीं दिया है कुछ, जब सरफेस नाम दे दिया तो जरूरत नहीं है।
फिगर मैंने अच्छा सा बनाई दिया है। इसके बाद जनरेटिंग आर्क इज रिवॉल्व अबाउट द बाई एक्सिस, सो रिक्वायर्ड सीजी आर जीरो कॉमा बाई वन, लिमिट ऑफ, थोड़ा जल्दी हो रहा है, पहले फॉर्मूला बता दें। नाउ वाई बार इक्वल अप द एक्स वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एस, किसके साथ है ये पैरामेट्रिक सेंस से ध्यान रखिएगा, डी एस अपॉन होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ, क्यों पैरामेट्रिक का मतलब होता है एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के सेंस में। अब आप लोगों से क्रॉस कर लेते हैं, अंश का पढ़ लिया बेटा, आप बताइए डीएस अपॉन डीजिटा क्या होगा, डीजिटा की वैल्यू क्या होगी, बातें नहीं कौन बोला पीछे, अंडर रूट के अंदर वन प्लस कौन बोला पीछे, बेटा कॉपी पड़ जाएगी अभी क्या फायदा, इसे पलट के देखा पदमकांत आप बताइए शिवांशु बेटा, डीएस अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा तो आप बताइए, आप बताइए नेक्स्ट 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 कौन बोल रहा है, ऑनलाइन वाले भी बेटा बोलिएगा नहीं, अभी बैठ जाओगे बेकार। नेक्स्ट इधर हटो सामने से, इधर हटाया जाता है, इधर हटाया जाता है इसे, आप चलिए बेटा लोगों मैं जानना चाह रहा था यही, अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम मैंने ले ली, अभी एक घंटे से चिल्ला रहा हूँ लगातार कि प्रॉब्लम पोलर की नहीं है पैरामेट्रिक की है, क्यों पोलर में आर ओ थीटा होता है और करंट टाइम में एक्स और वाई किस पे डिपेंड है थीटा पर, और पैरामेट्रिक में जो फॉर्मूला बताया था डी एस अपॉन वो वाली बात सही है, डी एस अपॉन डी टी बताया था, वहां पर टी से पहचान थोड़ी नहीं है, पैरामेट्रिक से पहचान है, आज की डेट में डीएस अपॉन डीजिटा पैरामेट्रिक माना जाएगा, इसमें से क्या रहेगा फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ डीएस अपॉन डीजिटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डीजिटा का स्क्वायर, ये पोलर थोड़ी नहीं करेंटली, जब कर्व हमारा पोलर होता तो डीएस अपॉन डीजिटा का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डीजिटा का होल स्क्वायर होगा, नहीं जब कर पैरामेट्रिक है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ डीएस अपॉन डीजिटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डीजिटा का स्क्वायर। सोचो मैं आप पागलों की तरह चिल्लाता रहता हूं, यानी क्या मतलब है, जिनका स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है वो बैठ जाए, मेरा डंडा कहाँ है, अरे बात नहीं
चालू कर रहा है ठंडा, बहुत दिनों से ठंडा चला रही है ना। पिछली अंश का आपको पढ़ना लिखना भूल भी गई हूँ ना, पता है आप तो पढ़ने में बहुत अच्छी हो, नाम पता है ना? क्या अमीरा हमको सर्वे सर्विस हमने लगी क्यों भाई, इसी वजह से पूछा था हमने। हमें एकदम याद आया, मतलब बच्चों से पूछते एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाओ हम इधर छोड़ो अगर आप बोल दे सीख जाएगा। आ जाओ जरूरी है भैया, परसेंटेज चाहिए नहीं चाहिए? आप अच्छी बात नहीं है, बताओ आपको पढ़ने वाली बच्ची क्यों नहीं जानती है? चलो आज ले आए थे आप लोगों के लिए, बैठ जाओ। आज के लिए रियायत दिया केवल, क्या संडे है, संडे वाले दिन हम बच्चों की पढ़ाई नहीं लगाते, आते वापस ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मूड नहीं था। आते वापस ये मेन थीम होती है कि आप प्रॉब्लम में कहाँ लेके चल रहे हैं। टी होता सब लोग सही बताते, क्यों मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला किस पे लिखाया है? और ये बाई चांस की बात किस में आ गया? थीटा पर। तो ध्यान रखें पैरामेट्रिक है तो डिपेंड ऑन पैरामेट्रिक सेंस ही लगेगा। आते वापस जितना आने के बाद इसका नाम क्या था? ये इधर इधर क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा बेटा अब देखते रहो। लिमिट ऑफ टी, पहले मैं टी लिख रहा था ना यहाँ, देखा थीटा विद रेस्पेक्ट टू है तो उसको इस्तेमाल किया हमने, तो आपसे बोला गया लिमिट ऑफ थीटा जीरो से लेके पाई, क्या चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा। नाउ डीएस अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल डीवाई अपॉन, इसको यूज किया गया स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां से जवाब मिलता है आपको डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ cos cos theta plus sin cos theta बराबर 1 2 plus 2 cos theta, समझते नहीं मेरी बात से? जब हम लिखा आगे a 2 common 1 plus बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है स्पेशल इधर आगे बढ़ा रहे हैं, कट कटिंग देखते जाना कटिंग ना हो जाए कहीं, 1 plus 2 cos square माइनस था, कट तो नहीं हुआ कैमरे में कह रहा हूँ कट तो नहीं हुआ हम बन में से बन गया, कितना हुआ डी एस एफ और टू ए कॉस थीटा बाई आ जाइए बाई थर्ड बाई बार इक्वल ऑफ द बढ़िया इंटीग्रेशन हो सकता है x रूडी x को a थीटा प्लस y a वन माइनस डी एस अपॉन टू ए कॉस डी होल अपॉन द लिमिट इज जीरो से पाई जीरो से पाई बाई मीन्स ए
वन माइनस का कॉस थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा मीन्स टू ए कॉस थीटा बाय टू डी, राइट। कटिंग पिटिंग स्टार्ट, थीटा बाय टू आ चुका है, बैक करिए चारों तरफ से, टू ए से टू ए गया, ए से ए गया, बाहर क्या होता केवल ए, जीरो से वाई थीटा एच, सभी को किसमें ले जा रहे हैं, थीटा बाय टू में, साइन थीटा मीन्स टू साइन थीटा बाय टू कॉस, वन माइनस का वन प्लस टू इंटू कॉस फोर अपॉन का जीरो से राइट right. इसमें आपने लेट थीटा बाय टू बराबर कहां एक्स रह गया, बिल्कुल होगा बाई बार है, मेरे पास एक्स हो जाएगा ए थीटा प्लस साइन थीटा, यहां चेंज हो जाएगा फिर ये तो कट हो चुका है जीरो से काई थीटा प्लस कोसाइन थीटा बाय टू, अगर आपको कभी भी ये लगे इसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों आपस में बड़े हैं तो हेडिंग देकर अलग से न्यूमरेटर अलग सॉल्व डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर दीजिएगा, लगे बड़ा नहीं है तब तक करते रहें। टी माने डी थीटा बराबर टू डी टी ओपन द पार्ट पर साइनिंग बोर्ड पर देख रहिएगा बाई बार इक्वल ऑफ द ए जीरो से लेके फाइव बाई टू दिस इज द टू टी प्लस टू साइन टी कॉस टी वन से वन गायब वन से वन गायब देन टू टू को मैं आगे लिख सकता हूं या बाद में लिख दूंगा कॉमन निकालूंगा अभी टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस टी टू टू डी टी होल अपॉन द बड़ा नहीं इसमें साथ में लेके चल रहे अभी तक जीरो से लेके टू टी टू साइन टी कॉस्टी कॉस्टी राइट। अब केवल क्या करना हमको इंटीग्रेस यही तो मेन होता है, जगह कर नीचे साइनिंग पक्का होगी तो जल्दी से नोट कर ले अगले वाले पेज पे सॉल्व कर। देखो शोरगुल करने के लिए बोला नहीं, शोरगुल करेंगे तो जो भी स्टूडेंट शोरगुल कर रहा होगा उसको सामने खड़ा कर देंगे अभी हम। क्या हो गया आपका सीट लग के टूट गई सीट, फिर इस वैसे में टाइम लगता है अभी घर के लिए दे दें 50% आप करेंगे 50% बच्चे करेंगे ही नहीं, हमारी कोशिश है कि इस वाले पेपर में ज्यादातर हमारे पास से ही जाएं सारी प्रॉब्लम्स।
हो गया सभी का। हो गया सभी का। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अगर नोट कर लिया हो तो आप बच्चे आराम से बैठ कर रहे हैं, सर करेंगे तभी आगे डिस्कशन करेंगे हम। हो गया बच्चे लोगों, आते हैं इतना बताने के बाद बाई बार इक्वल ऑफ द कटिंग प्रिंटिंग देखते हैं। पहले कुछ कॉमन आ रहा हो तो दो बाई टू से टू गया,
टू से टू गए हैं, ऊपर क्या बचा अकेला टू, तो बाहर कितना आ गया टू ए। देखो इधर दिख रहा है, तो वाई बार इक्वल ऑफ द टू ए, जीरो से लेते हम इधर देखिए फाइव बाई टू टी इंटू सर स्क्वायर टी कॉस टी प्लस जीरो से फाइव बाई टू साइन क्यूब टी इंटू कॉस। सहमत है मेरी बात से? बोला करिए होल अपॉन द। अब इसमें हम लोग आगे लिखते हैं तो जीरो से फाइव बाई टू टी इंटू प्लस जीरो से फाइव बाई टू साइन टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। और कुछ बचा बेटा इसके अंदर? जब इंटीग्रेशन में हमारे पास इतना आ गया तो क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, मदद करेंगे, पूछते हैं। डंडा तो बनता है, नहीं बताएंगे तो ना बताने पर कितने डंडे एक साथ पांच, बच्चों ने बोला पांच, बात जरूर मानेंगे हम। ऐसा कैसे हो जाए अपने स्टूडेंट्स की बात ना माने? आप बताइए पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। आगे सर टी को फर्स्ट लेंगे और साइन आगे आगे इस वाले केस में हम उसी में आगे फर्स्ट सेकंड करेंगे। आगे बढ़ाओ सर, टी का टी को रहने देंगे, साइन स्क्वायर टी कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें लिमिट लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन, बाकी का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी कॉस टी का इंटीग्रेशन सर, कॉस टी को लेट कर लेंगे टी। आप बैठो आप बताइए गामा वाले से नहीं कर सकते? कौन बोला? मतलब ठीक होता तो गामा वाले नहीं लगता? फिर कौन बोला पीछे बोलो? टी जीरो से लेके साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी क्या लगाएंगे इसमें? खाने सभी आगे लगा हुआ है गामा टू प्लस वन प्लस टू गामा टू प्लस वन प्लस कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस इधर को हटा दूं ना मैं। बोलो भाई अभी आप ही का नंबर है, उल्टा लटका दूंगा मैं, ये जितने बोल देख रहे हैं इसी वजह से है ना उल्टा लटकाते हैं, इस वजह से बंद नहीं कराए गए अभी, ध्यान रखिएगा। माइनस सब देखना ऊपर निकाल के देखना, एक दो दिखते हैं इसके अंदर छोटा बना देते हैं हम जादू सीख के आए हैं। आओ उधर माइनस माइनस यहाँ आप इंटीग्रेशन बोलो टी फिर इसकी वैल्यू ये आप निकाल के रख दें कितने आई ये भाई दोबारा निकाल करेंगे क्या? गामा थ्री बाई टू मतलब वन बाई टू गामा दिस इज द वन फाइव बाई टू टू थ्री बाई टू वन बाई टू गामा ये से दिस इज द वन अपॉन इस तरह जल्दी हो जाता है। गलत है सही है? बिल्कुल सही है। कहाँ गलत है? कौन बोला गलत है? खड़े हो जाओ ये भी गलत है पूरा, ये कैसे गलत पूरा ये बताओ गलत क्यों है? इसको गलत कहते खोपड़ी बोलते हैं ये गलत है। बैठो बचने बात तो आप खड़े रहो, बचने बात तो पकड़ ली गलत है। मैं तो आप जानते भी हो बहुत सीधा टीचर हूँ,
इतनी जल्दी कहाँ प्रॉब्लम को हैंडल कराएंगे, ये गलत है, पूरा गलत, आधा गलत। क्यों? इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उस पर लिमिट काम नहीं कराती, और गामा वालीज अपनी लिमिट को सॉल्व करके चलती है। ये इंटीग्रेशन बाहर लगा हुआ है, अंदर इंटीग्रेशन है, आपने यहाँ गामा वालीज लगा दिया तो वो अपनी लिमिट को उठा गया। जब इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन है वहां तो लिमिट उठ ही नहीं सकती, वो तो वेरिएबल में काम करेगी, लिमिट उठा कैसे दिया आपने। इस वजह से यहां पर ये एप्लीकेशन चेंज हो जाते हैं। ये हम बिल्कुल सही है, क्यों यहां पर लिमिट का लिमिट एप्लीकेशन नहीं है, तभी तो जानबूझ के गामा वाले जिलाया। पहले आपने सही बोला था कि सिलेक्ट कर लें साइंटी को कुछ अलग मान लें, तो साइंटी का डिफ्रेंसिएशन सामने है जिसका नाम है कॉस्टिडिटी। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि लिखें साइंटी बराबर फाई कॉस्टिडिटी बराबर डी फाई, क्यों थीटा पहले से टी पहले से है। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं, काफी सारा स्टूडेंट्स इसमें क्या लगा सकता है, गामा वालीज। तो इधर सही था, आगे जाके गलत है, तो यही तो जानना चाह रहा था केवल। और ये बताना मेरी मजबूरी इस वजह से है क्यों 90% स्टूडेंट्स की कमांडिंग यहाँ पर किस पे होती है, गामा वालीज के सेंस पे हो जाती है, और अपने आप में प्रॉब्लम को वो गलत कर जाता है। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो उसमें गामा वालीज ना लगा दें। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब इसका ओरिजिनल तरीका देखो, आप सही बता रही थी लेकिन मैं गामा वालीज से आपसे भी क्रॉस करता और उम्मीद है कि जरूर फंसाते। कोई बात नहीं है, तो जानकारी होना बहुत जरूरी था। टी पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे नहीं, लेट साइन टी बराबर का डिफरेंशिएशन सामने है तो डायरेक्ट साइन क्यू टी अपॉन बोलो माइनस, तो इसको कर रहे हैं माइनस जीरो से पाई बाई टू टी का डिफरेंशिएशन, इसका सामने है तो साइन क्यूब टी अपॉन थ्री डी टी। राइट बेटा लोगों, पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? बोलो भाई, आपने जवाब दिया प्लस, इसमें कौन सा लगाएंगे, गामा वाली। गामा वाली फॉर्मूला कौन सा था मेरे पास, गामा थ्री प्लस गामा होल अपॉन द टू गामा थ्री प्लस टू बाई टू। यहां से रफ हो गया है सर, टू एक कॉमन था ना, ये कॉपी में देख लेना। होल अपॉन द, ये सामने से आया वापस तीज टी cos t का माइनस t का cos t का sin t का जीरो से प्लस, फिर क्या लगाएंगे, गामा वन प्लस गामा टू प्लस, ये तो डांट हो जाएगा वैसे, अब लग गया तो लग गया, टू टाइम्स ऑफ वन प्लस टू प्लस, वैसे ये डायरेक्ट हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, फिर इतना लंबा करने का कोई मतलब था नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ा दिया कैलकुलेशन, बाई वार इक्वल ऑफ द टू ए ओपन द लिमिट साइन पाई बाई टू वन, देन कितना हुआ पाई बाई सिक्स माइनस का, बोलो माइनस का बना कौन, कौन सा रूल, वालीज, ओनली वालीज। वालीज कैसा, ऑड, ऑड का मतलब कितना हुआ टू बाई हो गया वालीज से डायरेक्ट। उसमें ध्यान रखें, सामने देखें जिसको वालीज ना आता हो बता देना, इसके बाद तुरंत बता दूंगा, साइन क्यूब टी वालीज से कितना है डायरेक्ट टू बाई प्लस, यहां से गामा थ्री प्लस वन बाई टू गामा टू, गामा टू मतलब वन, गामा थ्री बाई टू वन बाई टू गामा
टू, थ्री फाइव सेवन, सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, बाद में नोट कर लेना, थ्री बाई टू, वन बाई टू गामा होल अपॉन द पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, जीरो जीरो कॉस जीरो प्लस गामा टू बाई टू गामा वन, वन बाई टू गामा फाइव बाई टू, तो थ्री बाई टू, वन बाई टू गामा, ओपन द पार्ट बाई बा कटिंग स्टार्ट टू ए फाइव बाई सिक्स माइनस का टू बाई नाइन प्लस कटिंग स्टार्ट दिस का टू, टू से ऊपर गया तो टू बचेगा, टू अपॉन होल अपॉन द ये कितना बचा फाइव बाई टू माइनस का ये से कैंसिल, ये से प्लस का वन अपॉन। क्यों बेटा लोगों कोई तकलीफ किसी को भी? अब इसका क्या ले लो आप लोग एलसीएम वगैरह, आंसर दे देगा सीधे। इसका एलसीएम ले लीजिए जो भी आंसर आपके सामने आने वाला है। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? बोलो भाई निकालो कितना है। दस घंटे में एलसीएम देख सोचा करो कितना आएगा, निकालें जल्दी नोट करें। बात नहीं बेटा बात नहीं बिल्कुल भी। इतनी देर में एलसीएम बता रहे हो? आंसर बता दिया है, जब मैं ध्यान सुना तो उधर से आवाज आ रही है तो एलसीएम की आवाज आ रही है। इतनी देर में तो आंसर आ जाता बच्चा। आप देख चुके होंगे प्रॉब्लम में दम नहीं होती है, केवल एक से दो बार रिवाइज कर लें कमांड हो जाएगा। अब मैं कराने वाला हूं सम और डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। हो गया
क्या हो गया जी? शाइनिंग आ रही है तो आते हैं, कर लिया वो चेक कर लीजिएगा। एलसीएम कितना निकाला आप लोगों ने? 90। कितना आ गया मेरे पास? 15 बाई माइनस का 20 प्लस 12 होल अपॉन द, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर 5 बाई 2 माइनस का 2 बाई 3। तो यहां से मेरे पास कटिंग बटिंग होने के बाद ये आता है a अपॉन 45। ये हो गया 15 पाई माइनस का होल अपॉन द, ये हो जाता है मेरे पास 3 पाई माइनस का होल अपॉन द 6। तो बेटा लोगों कितना आ गया फाइनल आंसर मेरे पास? बाई बार इक्वल ऑफ द 2a 15 पाई माइनस का 8 होल अपॉन द 15 3 पाई माइनस का। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सी जी आर एक्स बार इक्वल ऑफ द 0 एन बाई बार इक्वल ऑफ द 2a 15 पाई माइनस का 8 होल अपॉन द 15 3 पाई माइनस का। दिस इज द फाइनल। अब नया एडिंग देने वाले हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 रूल नंबर 5 सी जी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, तो सारी बात पुरानी उठ के आने वाली है इसके अंदर। जब यहां पर एरिया की बात करेंगे तो एरिया का सेंस, वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का सेंस, तो दोनों में से किसी की भी बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास पुराने वाले ही लगेंगे। अभी तो चार फॉर्मूले बताए, आर्क, एरिया, सॉलिड एंड सरफेस। ओके, प्रॉब्लम एक्सरसाइज में 3 प्रॉब्लम है, उठाते हैं तीनों को ही हम लोग यहां से। देखिए प्रॉब्लम में हम फाइंड द सी जी ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, सामने लिख दे रहा हूं, फाइंड द सी जी ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व बाय स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द बी बाय, दोनों कैसे हैं मेरे पास? पैराबोला। दोनों कैसे हैं? आइए इधर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 प्रॉब्लम है, 2 एग्जांपल में, 3 एक्सरसाइज, 3 में कर दे रहा हूं एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने कहा गिवन कर बाय स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर टू आपने इसका फिगर बना दिया डबल का बिना फिगर के चलेगा नहीं। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। जब आपने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तो यहां पर मेरे पास इस वाले कर्व का नाम है वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, और इस वाले कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई। कॉमन इनक्लोज एरिया मेरे पास यही है सामने, राइट? बोलो भाई यहां जवाब मिला। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये तो पता होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से ही, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर कैपिटल ओ के 0, कैपिटल ए के 1/3, बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3, बी की पावर 1/3। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, आपने जवाब दिया ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, बी की पावर 1/3, राइट? नाम है को ए पहले से है, बी सी आपने जवाब दिया बाय द फिगर, ओ सी ए बी ओ एच इनक्लोज्ड एरिया इट इज नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो है नहीं, ओनली दिस वन साइड है। प्रजवा मिला ना रिक्वायर्ड सी जी आर एक्स बार कॉमा। अगर ये सिमेट्रिकल होता तो अपने शब्दों में क्या बनाता, किसी किसी को जीरो बना ही देता, परम बड़ी हो गई। क्यों? एक्स बार भी निकालना है और वाई बार भी। अब मेन पॉइंट है लिमिट एक्स की लगेगी, तो जवाब मिला यहां से ना लिमिट ऑफ एक्स 0 से लेके ए की पावर 1/3 और बी की पावर नाउ एक्स बार इक्वल ऑफ द, बड़े ध्यान से देखना डबल बॉडी है फॉर्मूला था एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा एरिया का बाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला देख लीजिए इसका एरिया वाला फॉर्मूला क्या था मेरे पास एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स अपॉन द, अच्छा उसमें बाई स्क्वायर बाई टू उधर जाएगा। आइए सामने एक्स वाई डी एक्स अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई, अभी एस नहीं लिखने वाले एसी को तो समझना ही चाहिए एसी। जब सामने हमारे पास आ गया एक्स वाई डी एक्स अपॉन द बाई डी एक्स, तो हमारे पास जब एक्स की लिमिट है तो बाई हमारे पास कर्विंग नेचर लेता है। एक दस एरिया के बेस पे समझिएगा, अगर इतने वाले एरिया में से इतने वाला एरिया बता दें ये तो बचेगा, इतने वाले एरिया में से इतने वाला एरिया हटा दें, इतने वाला एरिया ये बड़ा है ये छोटा है, इसको देखते हैं ध्यान से। देखो फॉर्मूला ओरिजिनल ये है, मैं इसी फॉर्मूले को डबल बॉडीज के सेंस पे इस्तेमाल कर रहा हूं, हटा रहा हूं सामने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, मैंने अभी भी बोला था विद रेस्पेक्ट टू एक्स लगा हुआ है,
एरिया सेंस काम करेगा, कितने बार एरिया में सी, कितने बार एरिया डाल दिया, तो डिफरेंस हो रहा है ना, क्या हो रहा है डिफरेंस। तो यहां लिखेंगे बाई वन माइनस बाई टू होल ऑफ डी एक्स होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई का मतलब बाई वन माइनस बाई टू होल ऑफ डी एक्स। ये बाई वन कौन, बड़े वाला, इस बड़े वाले का नाम कौन, ये वाला। तो साइड से हमें बताना पड़ा कि बाई वन इक्वल ऑफ द रूट ए एक्स, ये छोटे वाला बाई टू ऊपर लिखा हुआ है, बाई टू मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन कॉलम ऑफ सॉल्वेबल है। कोई दिक्कत किसी को भी, इसी मैंने इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि बिना फिगर के ये सॉल्व भी नहीं होगा, उससे उस जगह से समझना ही। अब तो कल क्या बाकी है, लिमिट लिख चुका हूं मैं आपको आपके पास पहले ही, अब केवल एप्लीकेशन चालू करना है। आइए एक्स बार इक्वल ऑफ द जीरो से लेके ए की पावर वन बाई थ्री, बी की पावर टू बाई थ्री, एक्स का मतलब एक्स बाई वन रूट ए एक्स माइनस बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी होल ऑफ, बेटा बात नहीं, ज्यादा बड़ा इंडिकेशन नहीं है, ओनली कैलकुलेशन होगा, तो पावर टेढ़ी मेढ़ी है। जीरो से लेके ए की पावर वन बाई थ्री, बी की पावर टू बाई थ्री, या मेरे पास रूट होल ऑफ डी एक्स जवाब मिलता है। यहां से हमारे पास ए की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स की पावर माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन द ए की पावर होल अपॉन द, यहां जवाब मिला ए की पावर एक्स की पावर बाई टू मतलब एक्स की पावर थ्री बाई टू एक्स क्यूब अपॉन राइट, ओपन द लिमिट लेके जाइए टू अपॉन फाइव ए की पावर वन बाई टू ए की पावर वन बाई थ्री बी की पावर होल पावर ऑफ ए की पावर वन बाई थ्री बी की पावर जीरो के लिए जीरो। टू बाई थ्री ए की पावर होल पावर ऑफ थ्री बाई टू वन अपॉन थ्री बी एक्स ए की पावर वन बाई थ्री बी की पावर होल ऑफ क्यू एक्स बार इक्वल ऑफ द स्टार्ट यहां से दिस इज द पावर वन बाई टू पावर कितनी फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाई टू कितना आएगा मेरे पास थ्री एट बाई सिक्स मतलब फोर बाई टू अपॉन फाइव ए की पावर फोर बाई थ्री इन टू बी टू द पावर ऑफ फाइव बाई थ्री माइनस वन अपॉन फोर ए की पावर फोर बाई थ्री बी की पावर फाइव बाई थ्री हाँ जी फोर अपॉन द टू बाई थ्री
a की पावर बाई टू, दिस इज द ए और दिस इज द बी, माइनस वन अपॉन थ्री ए बी। बोलिए क्या जवाब मिला आपको? आंसर इज द 20। एट में से कौन गया? फाइव। कितना मिला? थ्री। इक्वल अब द थ्री अपॉन ए की पावर फोर बाई थ्री, बी की पावर फोर अपॉन द टू बाई थ्री ए बी में से कितना गया? वन बाई थ्री ए बी। तो वन बाई थ्री ए बी तो हमारे पास आ जाता है एक्स बार इक्वल अब द नाइन बाई ट्वेंटी ए की पावर वन बाई थ्री और बी की पावर टू बाई थ्री। ये क्या है मेरे पास? अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं? बाई बार। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। Thank you.
नोट कर लिया होगा तो ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।